लॉकडाउन का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए शासनादेश के मुताबिक जनपद के तीसरे दिन भी जारी है कमिश्नर झांसी के सख्त तेवर। आज जनपद दौर के तीसरे दिन कमिश्नर झांसी सुभाष चंद्र शर्मा ने जालौन नगर क्षेत्र में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर अधीनस्थों के पेंच कसे, तदोपरांत नगर क्षेत्र में भ्रमण कर लॉकडाउन के अनुपालन की वास्तविकता परखी। इस दौरान कहीं संतुष्ट तो कहीं असंतुष्ट दिखाई दिए माननीय कमिश्नर झांसी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जालौन में गंदगी और पीछे गधे चढ़ते हुए देखकर माननीय का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने कड़ी फटकार लगाई। नगर भ्रमण के दौरान कुछ दुकानदारों की दुकानें खुली मिली तो कुछ दुकानदार कार्रवाई होने के डर से शटर पटक कर भागते नजर आए। इसके बाद कमिश्नर ने जनपद के कोंच नगर क्षेत्र में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया और कोविड 19 में शासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को शीघ्र दुरुस्त कर संक्रमण को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने की दिशा निर्देश दिए। जालौन में मैंने देखा कि होटल और चाट पकौड़े की दुकानें खुली हुई हैं, यहाँ तो मुझे देखने को नहीं मिला है अभी। यहाँ कुछ व्यवस्थाएं बेटर लगी जालौन के बजाय कोंच में, लेकिन वहाँ है उनको बंद करवाया गया। आज लॉकडाउन है तो लॉकडाउन का पूरा पालन होना चाहिए, तरीके से होना चाहिए। जो खुलने वाली दुकानें हैं वो खुले, दवा की दुकानें खुलेंगी, आपकी सब्जी वाली है, किराना की दुकानें हैं, आपके किसानों की खाद और बीज की दुकानें हैं, दूध बेच सकते हैं आप लोग।